बहुतखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज मैं अभी मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। समाजवादी पार्टी की तरफ से कल ऐलान किया गया था कि आज विधानसभा पर धरने की शुरुआत की जाएगी और वो जो प्रदर्शन होगा उस प्रदर्शन में तमाम सारे मुद्दे होंगे, महंगाई होगा, भ्रष्टाचार होगा, कानून व्यवस्था होगी, कई सारे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था। उससे पहले विधानसभा को पूरी तरीके से पुलिस ने घेर लिया है ताकि वहाँ किसी प्रकार से कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता विधानसभा तक ना पहुँच पाए, जो पहुंचने पर उनका प्रदर्शन शुरू हो पाए। इसके उसको लेकर के पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं, कार्यालय पर भी वही हालात हैं, कार्यालय पर भी पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है और घेराबंदी की गई कार्यालय की ताकि कार्यालय पर जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी नेता पहुँचे हैं वो किसी भी तरीके से विधानसभा ना पहुँचने पाए। तो लखनऊ की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है, हर तरफ उसकी नज़र है और पुलिस की तरफ से यही कार्रवाई की जा रही है किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी का जो प्रोटेस्ट होना है विधानसभा पर वो ना हो पाए। तो ये पुलिस जो तैनात है, जो आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के बाहर जो एक दीवार बना दिया है पुलिस ने ताकि समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता यहाँ से बाहर ना जा सके। जिस तरीके से पुलिस की तरफ जो कार्रवाई की जा रही है प्रोटेस्ट के बाद जो ऐलान किया गया उसको कैसे देखते हैं आप? ये योगी बाबा की पुलिस प्रशासन के बल पर दबाव बनाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को रोकना चाहते हैं कि ये जनता की मूलभूत समस्याओं को उजागर न करें, जिनके काले चिट्ठे जो है उसको समाजवादी पार्टी के लोग उजागर करें, चाहे कितना ही पुलिस प्रशासन को लगा लें उससे डरने वाले समाजवादी पार्टी के लोग नहीं हैं। हर संभव विधानसभा पहुँचेंगे हम लोग? बिल्कुल पहुँचा जाएगा जी। मिस्टर जी नमस्कार। जो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की प्रोटेस्ट जो आपने ऐलान किया था उसको किस तरीके से आप? ये एक तरह से सरकार की तानाशाही है और इस तानाशाही का जवाब हम लोग जो है विनम्र से एकदम जनता के लिए हम लोग हमेशा लड़े हैं और जनता के लिए लड़ते रहेंगे, उसमें कोई दोहरा नहीं है और विधानसभा में जाने का काम करेंगे हमारे माननीय विधायक। नेताओं को नज़र बंद कर लिया गया, फिर भी जाएंगे लोग, जाएंगे। आप लोग पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं? जी जी, पार्टी कार्यालय हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी कुछ लोग और आ रहे हैं, उन्हीं लोगों का इंतजार है, उसके बाद हम लोग जाएंगे। विधानसभा में MLA नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ इनसे। क्या मुद्दे लेकर पहुँचे हैं? मुद्दा नहीं, मेरा पर्सनल काम है, विधानसभा में जाना है मुझे। आज प्रदर्शन है? आज तो मुझे ये भी नहीं जानकारी आज प्रदर्शन है, मैं तो बाहर से आया हूँ। कहाँ से? मैं से आया। प्रदर्शन में शामिल होने नहीं आए? अरे तो होगा, पार्टी का होगा तो प्रदर्शन में भी शामिल हो जाएंगे। पार्टी में समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के पूरे पार्टी में विधायकों का जो है प्रदर्शन था, ये ऐसा कहा गया है वो लाभ यार। समरपाल जी, आप आए, रोका गया, आप अपनी बात रखें, क्या कहना चाहिए? मैंने कहा भाई काय का ऑर्डर है, मैं इसको कह रहा हूँ दरोगा को, मैंने बताओ काय का ऑर्डर है, कोई कोर्ट का ऑर्डर है? MLA अगर अंदर नहीं जाएगा विधानसभा कहाँ जाएगा? हम अपने पर्सनल काम से खुलवा रहे हैं। लगाओ भाई, जी कहाँ से हैं? मैं पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? ये कह रहे बनता है किसी का आईडी ऊपर करो, दिखाओ आईडी भाई, हिंदी खबर को ऊपर करो, इसका ऑर्डर दिखाओ। संदीप भाई, करने की कोई जानकारी? मैं तो विधानसभा जाना चाहता हूँ, खुलवाओगे उसमें क्या बात है? और सारी विधानसभा आपने कहते क्यों आपके क्षेत्र में है? अंदर वाले क्षेत्र, अंदर हमारा ये है, देखिए इधर साइड ये है। मैंने कहा भाई किसका आदेश है ये दिखा दो। प्रदीप दुबे जी का मेरे पे लेटर है, मेरे लाइव जा रहे हैं क्या जी? उनका मैसेज है कि अंदर आइए विधानसभा में बात कर, बोल दो। लेकिन ये लोग आके घेरे पड़े बिना सेशन के MLA नहीं जाते अंदर? यार घटने का तो मुझे यहाँ पता चला, अरे मेरे साथ दो आदमी चलो पुलिस गई, मैं साइन करके आ रहा हूँ अभी, आपसे बात कर ले। किसको बात कर ले? आप बात करो, जिसको रोक ना, आप जो रोक रहे हो आप बात करो। नहीं, अंदर तो हमारा अलाउ ही नहीं यार, अंदर अलाउ नहीं तो बाहर क्यों रोक रहे हो फिर? बिना मतलब की बात है, देख रहे हैं आप, भी आपके सामने की बात है, आप तो चौथा स्तंभ है यार। इसीलिए तो पहली बार ऐसा हो रहा है किसी MLA को गेट पे रोक रहे विधानसभा के अंदर जाने से, बताने का कारण नहीं कर रहे। मैंने आप नोटिस दे दो किसका है, मेरे कुछ बताओ। ये हिटलर बताइए ना जितनी बात अगर वो पैदल मार्च करना चाहेंगे तो पैदल यहाँ से विधानसभा तक जाने देंगे या नहीं? देखिए,
किसी भी परिस्थिति में हमें कानून व्यवस्था बनाए रखनी है और किसी भी प्रकार का प्रदर्शन फॉग आ गया यार और जो प्रतिबंधित है उस प्रदर्शन को करने की इजाज़त हमारी जो प्रशासन और पुलिस नहीं दे सकती और ये बात हमने अंदर सभी जिम्मेदार लोगों को कन्वे कर दी है और उनसे अनुरोध किया है कि सभी लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन करना है यहाँ से चले हैं उन्हें सुरक्षित सकुशल इको गार्डन तक पहुँचाएंगे। समाजवादी पार्टी ने मांग की थी क्या इसको लेकर के? उन्होंने कॉल दिया था कि वे विधानसभा में परिसर के अंदर स्थित प्रतिमा पर ही जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे जो कि प्रतिबंधित है। नहीं अब एक चीज और बता दिया, सुबह से नजरबंदी की गई है विधायकों की, उनके नजरबंदी की आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने हमें हाउस अरेस्ट कर रखा हुआ है। विधायक हैं और जो नजरबंदी का आरोप लगा रहे हैं उन सभी लोगों को एक तरीके से घर में नजरबंद कर दिया गया है। देखिए सभी से सिर्फ यह अनुरोध किया गया है कि सभी लोग क्योंकि वो वहाँ से अपने अपने आवाज़ से धरना प्रदर्शन के लिए पहुँचते और उस जगह धरना प्रदर्शन के लिए पहुँचते जहाँ पर प्रदर्शन शासन द्वारा हाईकोर्ट द्वारा कहा गया है कि निर्धारित स्थल जो धरना प्रदर्शन का है वो इको गार्डन है। हमने सभी को कन्वे किया है कि आप लोग इको गार्डन चलें, वहीं पर प्रदर्शन करें और हमारे लिए उन्हें वहाँ रोकना इसलिए आवश्यक है कि जब तक कि कॉल विड्रॉ नहीं हो जाती यहाँ पे करने की, क्योंकि और धरना जो प्रदर्शन स्थल आप सभी वाकिफ हैं इस शहर में इको गार्डन ही में होता है और यही बात हमने सभी लेकिन विधायक पार्टी के सामने तस्वीर जहाँ पर रोड जो है पूरी तरीके से बंद किया गया है, किसी भी तरीके से कोई कार्यकर्ता बाहर नहीं जा सकता और बाहर कार्यकर्ता अंदर नहीं आ सकता, इस तरीके का इंतजाम पुलिस कार्यालय के ठीक सामने एक बैरिकेटिंग लगा करके पुलिस एक दीवार बनाकर खड़ी हुई है और यहाँ पर जो तमाम बसें खड़ी कर देंगे पुलिस की ताकि कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर उनको इको गार्डन पार्क ले जाया जा सके। इको गार्डन पार्क में धनास्त्र बनाया गया है, यही बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है कि प्रदर्शन की कोई जो अनुमति है नहीं दी गई है और बिना अनुमति के प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम जिनको प्रदर्शन करना है वो हमारे साथ चलें, हम उनको इको गार्डन ले जाएंगे और इको गार्डन पार्क में जहाँ पर प्रदर्शन की अनुमति है वहाँ पर प्रदर्शन करें, हमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारी तरफ से जो ऑर्डर है उसमें यह है कि प्रोटेस्ट किसी भी प्रकार नहीं होने दिया जाएगा। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।